दोस्त आपका दोस्त अमर आर्मर, जनता की आवाज़ में सच के साथ आर्मर एक आवाज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या की घटना से पूरा देश आक्रोश में है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बॉलीवुड सितारे भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं। इसी घटना को लेकर अयोध्या के संतों का भी बड़ा बयान आया है। अयोध्या के संतों ने इस पूरी घटना को साजिश करार दिया है। वहीं आक्रोश व्यक्त करते हुए अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए दोषियों के साथ भीड़ में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ साजिश के तहत हत्या का मामला दर्ज कर। मैं आपका दोस्त अमर आर्मर आज आर्मर एक आवाज में अपनी बात को बुलंद करने और एक ह्यूमन टेंडेंसी जो है साइकोलॉजी है उस पर जाकर आज हम बात करने के लिए आए हैं। वो है पालघर की घटना जो आप मैं पूरी दुनिया जानती है, जो हमारे दो साधु और ड्राइवर के साथ जो किया वो बहुत बहुत ही इतना गंदा खेल है देश के अंदर, जिसके लिए जितनी निंदा किया जाए कम है। बट मैं कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के तथ्य पर जाकर बात करना चाहता हूं। मुद्दा करते हैं अपन उस पालघर के गांव से लेकर सेंट्रल तक। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जब पालघर के गांव के अंदर जब बात हम चल रहे थे, मॉब लिंचिंग की बातें चल रही है, तो उस केसेस में उस समय में रात में 10 बजे वहां से जब साधुओं की गाड़ी निकली, उससे पहले उस एरिया में कोई सतर्कता नहीं फैली गई, नो डाउट उसको लेकर चले गए, या साधुओं के पास कोई परमिशन नहीं था जाने के लिए तो वो उस रास्ते से होकर निकले, नो डाउट। पुलिस उस जगह पे जब आई तो पुलिसों को यह बात क्या गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या मोबाइल के जमाने में भी आज की डेट में इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाया? क्या 200 लोग वहां पर जमा हुए तो गांव का सरपंच क्या कर रहा था, गांव का सचिव क्या कर रहा था, तहसीलदार क्या कर रहा था, उस तहसील से क्या वो सब चीजें एक कम्युनिकेशन पे नहीं था, क्या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, क्या लोग नहीं बचा सकते थे? चलो वो सब चीजों को हमने छोड़ दिया। यहां से लेकर यदि 200 लोग वहां जिम्मेदार है तो उस तहसील उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर भी जिम्मेदार है कि वहां पर एक ह्यूमन टेंडेंसी या साइकोलॉजी कैसे पनप रही थी देश के अंदर, और पनप रही थी तो फिर हम ये समझ ले कि एक आम जनता नहीं, हमारे देश के साधु हो या कोई फिल्म स्टार हो या कोई बिजनेसमैन हो, मॉब लिंचिंग के बहाने वो कोई भी किसी को भी रात में भीड़ आधे घंटे के अंदर किसी को भी मार सकती है। तो यहां पर आमिर खान का कहना सही हो गया, हमारा देश सुरक्षित नहीं है? क्या अनुपम खेर का कहना सही हो गया? क्या यदि हम किसी भी महान फिल्म स्टार की बात करें जो हमारे देश को जब भी बोला करते थे कि देश सेफ नहीं है, तो क्या आज वो तथ्य सही हो गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते देश का हिंदू के लिए आज हिंदू ही खतरा बन गया? क्या यहां पर कोई हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, एक इंसान की साइकोलॉजी की बात है कि इंसान इतना गंदा सोचने लग गया, इतनी गंदी प्रोग्रामिंग हो गई है कि उसके पास सोचने समझने का तर्क खत्म हो गया है, सिर्फ एक क्राउड, एक साइकोलॉजी उसका बिना सोचे समझे, उसको बिना समझे बस भीड़ की तरह अंधेरे में गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट होना, उस केसेस में लोगों ने अपनी आग बंद करके मार दिया। चलो मान लिया 100 लोगों को अंदर कर दिया, इसके आगे नियम कायदे भीड़ सब कुछ हड़ताल से लेके सब कर दिए, पर क्या उन साधुओं को देश के अंदर भुला पाना, उनके साथ ऐसा होना, क्या ये सही है? किस हद तक सही है? और देश के अंदर किसी भी गांव के अंदर में भी ऐसा हो रहा है तो क्या वहां का शासन प्रशासन सोया था? यह सोचने की बात है। देश के अंदर में यदि पालघर की घटना की बात नहीं है, देश के अंदर किसी भी गांव में इस टाइप की सिचुएशन है तो क्या शासन प्रशासन के पास वो पावर नहीं थी? पावर नहीं थी या पावर थी तो उसका पुलिस को देखा वहां पर, पुलिस मान लिया 200 लोगों के बीच में पुलिस असहाय हो गई तो क्या कंट्रोल रूम को कॉल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। देश के अंदर में क्या कहना है,
आज की डेट में हम लोग लड़ते रह जाएंगे, हिंदू मुसलमान को लेकर हम लड़ते रह जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस को लेकर हम लड़ते रह जाएंगे, एक स्टेट की सरकार दूसरे स्टेट के साथ में। बट बात हमारी उस साइकोलॉजी तथ्यों की है जिसके कारण वो शिकार हुआ, हम उस पर तो बातें ही नहीं कर रहे। क्यों हुआ वो माहौल क्रिएट, हमको इस पर सोचने की जरूरत है। क्यों हुआ वो एटमॉस्फियर ऐसा क्यों क्रिएट हुआ कि वो साधु उनका शिकार हो गए। यदि वहां पर यह बात चल रही थी कि कोई चोर है जो साधु के रूप में आ रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी वहां के लोकल एटमॉस्फियर जो क्रिएट हुआ था, क्या वो पता नहीं था वहां की लोकल पुलिस को, क्या लोकल सरपंच को नहीं मालूम था, या लोकल जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तहसीलदार से एसडीएम से लेकर, क्या नहीं पता था? सबको सस्पेंड करना ही सॉल्यूशन नहीं है। 6 महीने के बाद फिर से ऐसा केस हो सकता है, इसका जवाब कौन देगा? आर्मर एक आवाज में सोचने की जरूरत है। और आप दोस्त सभी से कि बात पालघर की नहीं है, देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट में किसी भी गांव में ये चीज हो सकती है, जो आज मैं आप देश का एक आम जनता या कोई सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, ये बहुत गलत हुआ है। इसमें कोई और नहीं, हमारे समाज के जो 200 लोग हमारे समाज के अंदर गांव के अंदर रहने वाले लोग की साइकोलॉजी तथ्यों को समझने की जरूरत है, वो आज उनके जिम्मेदार है। आर्मर एक आवाज में आपका दोस्त अमर आर्मर, बस इतना ही आपको कहना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।